नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नेशनल इंडोर स्टेडियम सूरत लेके आया हूं, जहां पर नेशनल गेम्स के मुकाबले चल रहे हैं और आज यहां पर बैडमिंटन का कंपटीशन चल रहा है। तो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको बैडमिंटन के मुकाबले तो दिखाऊँगा ही, साथ में इस खूबसूरत स्टेडियम का भी पूरा टूर कराऊँगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। स्टेडियम के व्यू के साथ शुरुआत करता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये स्टेडियम है, इसका पूरा आपको एक व्यू दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके शहर सूरत में कितना बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम अवेलेबल है। सिटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है और अंदर से बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। बढ़िया लाइट्स लगी हैं और जो सीट्स हैं वो भी बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत बढ़िया क्वालिटी की। ये देखिए कितना बेहतरीन सीटिंग स्पेस है यहाँ पे। पूरा राउंड शेप में ये स्टेडियम बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम है ये। पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं स्टेडियम का भी। काफ़ी बड़ी सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पर और ऊपर देखिए इसका सीलिंग कितना अच्छा दिख रहा है। ये एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है। बैडमिंटन के मुकाबले चल रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी आपको इनका एक क्लोज व्यू भी दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के मैच यहां पर चल रहे हैं इस खूबसूरत सूरत के इंडोर स्टेडियम में। स्टेडियम का एक और नज़ारा देखिए। पूरा स्टेडियम सेंट्रलाइज्ड, एयर कंडीशनड है और लाइट्स भी बहुत ही बेहतरीन लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए दूसरे एंगल से स्टेडियम का एक व्यू। कई सारे मैचेस चल रहे हैं इस समय। ऊपर देखिए लाइट कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे, बहुत ही ब्राइट लाइट्स हैं। लंबी लंबी रैलीज चल रही हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये मुकाबला चल रहा है। ये देखिए डबल्स के भी मैचेस चल रहे हैं। डबल्स के मैच की एक झलक देखिए, दर्शक काफ़ी उत्साहित। सूरत शहर के खूबसूरत इंडोर स्टेडियम से ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको
अवश्य पसंद आ रहा होगा। अंत में चलते चलते स्टेडियम का एक झलक आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों, इतना खूबसूरत इंडोर स्टेडियम आपके शहर सूरत में है, गुजरात में है। यदि आपको ये बात नहीं पता थी तो यहाँ पर अवश्य एक बार आके देखिए, तो आपको ज़रूर इस स्टेडियम पे गर्व महसूस होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।